सो हेलो गाइस, दिस इज विनीत चौधरी। यू आर वाचिंग आई टेन फ्लैक्स। हमारी जो आज की वीडियो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पे बेस्ड है कि उसे हम कैसे याद करेंगे। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें कैसे पिक करना है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा नाम, कौन सी हमारी स्ट्रक्चर होगी। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। बहुत ही जनरल बात है, एन जैसे जैसे वेरी करता जाएगा हमारी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बदलता चला जाएगा। तो हमें उसे कैसे याद रखना है, अगर एन की वैल्यू जीरो होगी तो वो होगा ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे ही वन पे मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेनिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाइमेलिक एसिड और ये होगा हमारा सुबेरिक एसिड। तो ये जितने भी हमारे नाम है हमें कैसे याद रखना है, तो इनका आप पहला जो वर्ड देख रहे हैं सबका, अगर हम उसे मिला दें, ये सब वर्ड उठा दें, तो यार ये बनता है ओम्स गैप। अगर हम लास्ट वाले को भी लें एस को, तो ये सुबेरिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आप पूरा याद रखना चाहे ओम्स गैप्स पे याद रख सकते हैं। लेकिन ओम्स गैप्स में क्या प्रॉब्लम है, दो एस आ रहे हैं, तो ये याद रखना है। सक्सिनिक एसिड जो है हमारा वो टू पे आता है, ऊपर आता है, और ये जो सुबेरिक एसिड है ये आता है हमारा सिक्स पे। आप ओम्स गैप भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। तो ओम्स गैप्स हमारी क्या है ट्रिक, जैसे भी आपका क्वेश्चन आएगा आपको ये पिक करना है वो किस नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर वो एम है तो फिर मेलोनिक एसिड होगा, मेलोनिक एसिड होगा वन से। इसकी ट्रिक की सबसे बढ़िया क्या बात है, ये जो ओ बन रहा है ये भी बिल्कुल जीरो सा बन रहा है, और एन जो है ये भी जीरो ही है हमारा इस वाले स्ट्रक्चर में। तो सीओ एच का मतलब हो गई, ये होगी हमारी ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रक्चर। तो गाइस ये थी हमारी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को याद रखने की ट्रिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके फ्रेंड्स की क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इस चीजों को याद रखने के लिए।